ज्ञानं परमं गुह्यं विज्ञान समन्वितं सारस्यं तदङ्गं च ज्ञानगदितं जवानहं यथाभूयद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तुते मदनुग्रहः अहमिवासमभग्नन्नज सत्परं पश्चादहं यदि तच्चिजोऽवशिष्यसोऽस्म्यहं हृतिर्थं यत्पतेत न पतेत चात्मनि तद्विद्धादात्मानमयं यथाभासि यथातमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावशेषु प्रविष्टान्नुपविष्टानि न तेषु न तेषु अहम्। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, जगत गुरु जी ने बताए, ये जगत माया देवी का बनाया हुआ जेल खाने हैं। जो निष्किंचन गुरु वैष्णव है वो लोग इस जगत का किसी चीज़ का साथ ताल्लुकात नहीं रखते हैं। जो लोग परमहंस वैष्णव निष्किंच भक्तगण, ये लोग इस जगत का किसी चीज़ का साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, उनका किसी चीज़ का साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। ये जगत में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो ये निष्किंचन गुरु वैष्णव को लुभा सकता है। ये जगत क्या ऐसा कोई वस्तु नहीं है वो नित्यकाल सुख दे सकता है। ये जगत में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो नित्यकाल सुख दे सकता है। प्रभुपाद जी ने बता रहे हैं ये तमाम जड़ जगत जो है ये बद्ध जीवों के लिए एक जेल खाने हैं। जितना सारे कृष्ण विमुख जीव है यहाँ माया का कारागार में दाखिल हो गया। जितना सारे बहिर्मुख जीव है, कृष्ण विमुख जीव है, सब ये जेल खाने में भर्ती हो गया। इतना कष्ट, इतना दुख, फिर भी वो लोग सोचते हैं कि सुखी हूँ। इतना कष्ट मिलने का बावजूद फिर भी प्रयास पचास में लगे रहते हैं कैसे करके जड़ जगत का सुख को हासिल किया जाए। तमाम जीव माया देवी का फंदे में फंसा हुआ है। और जो गृहव्रत व्यक्ति हैं वो लोग तो हर वक्त प्रयास प्रचेष्टा में हैं कैसे दुनिया का हर वस्तु को अपना सेवा में लगाए, हर व्यक्ति को हर वस्तु को अपना सेवा में लगाए। इसी प्रयास प्रचेष्टा में लगे हुए हैं। जो जितना चालाकी करके दुनिया का जड़ जगत का वस्तु सम्मान हासिल कर सके वो उतना ही ताकतदार है, उतना ही ऑनरेबल है। ऐसा ही जड़ जगत का विचार है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रह्लाद महाराज हर वक्त कह रहे हैं कि जितना सारे इंद्रिय हैं मन, ये सब इंद्रियों मन को बाहरी वस्तु में भेजो मत। जितना सारे इंद्रियां हैं और मन हैं इन सबको बाहरी वस्तु का ओर, शब्द स्पर्श और रूप रस गंध हो इसका ओर मत भेजो। बहिर्थ मानिन नौते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दूर आशया जे बहिर्थ मानिन। वो बहिर्जगत का जो अर्थ है, जड़ जगत का जो जड़ जगत का जो जितना सारे वस्तु हैं ये सब चीज़ों का ओर भेजते रहते हैं। जैसे जो जितना एन्जॉयमेंट ले सके उतना ही पावर हासिल करे वो उतना ही सम्मानीय ऑनरेबल है। ऐसा करके जो जड़ जगत का मनुष्य आदमी को सब विचार है, तमाम वस्तु और व्यक्ति को अपना सेवा में लगाने का प्रयास प्रचेष्टा में लगे हुए हैं।
ये जो खिति अप तेज मरुद बोम चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र पशु पक्षी वृक्षो लता, ये लोग सोचते हैं कि सारे तमाम हमारा भोग का वस्तु है, हम लोगों का लिए सब चीजें जो हैं, ये सब जो चीज हैं, खिति अपो तेज मरुद बोम चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र पशु पक्षी वृक्ष लता सारे हमारा सेवा का वस्तु है। जब जो चाहे हम एंजॉय करें, कुछ भी कैसे भी तरीका से अपना जीवन जिंदगी गुजारे, बस यही विचार है। ऐसा ही विचार लेके जोर जोर जगत का आदमी आगे चल रहा है, कभी भी सोच नहीं रहा है ये जगत किसका लिए है। ये जो सजावट है अनंत ब्रह्मांडों का, जो विन्यास है, ये सब किसके लिए है, कौन मालिक है। भक्तों लोग किंतु हर वक्त सोचते रहते हैं, पक्का भक्तों जो है ये तमाम चीज जो है जगदीश्वर भगवान का सेवा का उपकरण है, आइटम है। हरि भजन नहीं करने से एक तिनका भी लेने का अधिकार हमारा नहीं है। गीता में सब तरह तरह का विचार बना के रखे हैं भगवान, जो अपना लिए रसोई करते हैं, जो पचती आत्मकारणात् स्तेन एव ही स्व, ये चोर है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हरि भजन अगर ना करे तो एक तिनका भी ग्रहण करने का इसका अधिकार है नहीं। किसने दिया अधिकार? भगवत भजन करे तो ठीक है, नहीं तो जगतेर पिता कृष्ण जैन भजे बाप पितृद्वही पातकेर जन्मे जन्मे ताप, वृंदावन दास ठाकुर जी ने कहे। कृष्ण भजन नहीं करने से जन्म जन्म कष्ट मिलना पड़ेगा। अगला दिन चर्चा होते हुए आया था यहाँ, कैसा सुदुर्लभ चीज है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कह रहे हैं जो मनुष्वानम सहस्रेशु कश्चित जतति सिद्ध है जतोतामपि सिद्धानम कश्चित माम व्यक्ति तत्त्वतो, अर्थात तत्त्वविद व्यक्ति बहुत रेयर है, इतना सुदुर्लभ है कि असंभव है, इतना सुदुर्लभ है तत्त्वविद व्यक्ति। इसका बारे में चर्चा हुआ था अगला दिन, ये भी चर्चा हुआ था। देखो श्री चैतन्य चरितामृत में रूप शिक्षा प्रसंग में श्रीमान महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को कह रहे हैं कि यह अनंत जीव घूम रहा है, यही मतो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्ष जनित करे भ्रमण, 84 लाख जनी में भटकते रहते हैं। और केशाग्रो सते को भाग पुनः शतांश करी बालग्र भागस्व शतभागस्व शतधा कल्पितस्य च, ऐसा करके एक बाल का अग्रभाग शतभाग करके एक एक भाग को फिर शतभाग करके इससे भी छोटा है, जीवात्मा को देखा नहीं जाए। केशाग्र शतभाग पुनः शतांश करी तार सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी, सो फाइन चित पार्टिकल। इसका बात लिखा है तार मध्य स्थावर जंगम, व्याख्या हो गया है स्थावर अजंगम, जो चल नहीं पाता और चल पाता ये दोनों में भी, इसका अंदर में जंगम में तिर्यक हैं, जलचर स्थलचर पंक्षी आदि सब हैं तिर्यक, फिर उसका बाद जलचर स्थलचर विभेद, इनमें से मनुष्य जाति का विचार किया जाए तो इतना संख्या इतना छोटा है, तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर। और ये मनुष्य जाति के भीतर भी विचार किया जाए, इसका उदर में म्लेच्छ है, पुलिंद है, बौद्ध सवर, बहुत सारे डिवीजन है,
और सब आदमी जिसका कॉन्शियसनेस ज्यादा है ये भी थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं, और इसका अंदर में वेदनिष्ठ मध्य आधा अर्धेक वेद मुद्दे माने, वेदनिष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुख्य माने, आधा वेद भारवाली मानता है ऐसे आचरण में नहीं मानता। वेदनिष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुख्य माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गने, वेद में निषिद्ध किया जाए निषिद्ध कर्म कर रहा है और धर्म का बारे में कोई रियलाइजेशन है ही नहीं, कर्म अकर्म विकर्म ये सब का डिवीजन पहले ही चर्चा हो गया था। और इसका बाद महाप्रभु कह रहे हैं कि धर्मचारी मध्य बहुत तो कर्मनिष्ठ हो, अगर धर्मों को सामने रखा है फिर भी इन लोगों में कर्म के लिए आसक्ति है, कर कौन कर्म के लिए आसक्ति मतलब कर्तापन, हम कर्ता, कर्म के लिए आसक्ति मतलब कर्म का फल लेना चाहता है मतलब कर्मी है, धर्म है सामने रखा है, धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठो और करोड़ों कर्मनिष्ठो कोटि कर्मनिष्ठो मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठो है, और कोटि ज्ञानी श्रेष्ठों में एक व्यक्ति मुक्त होता है, रियलाइजेशन होता है उसका, अकोटि मुक्तों में दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। अब अंदाजा लगा लो कि कृष्ण भक्त कितना रेयर है, कितना असंभव है, असंभव। चक्रवर्ती बात कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती बात, निर्विशेष ब्रह्मानुभवानंद, निर्विशेष ब्रह्मानुभवानंद से सविशेष ब्रह्मानु ब्रह्मानुभवानंद सहस्रा गुणाधिक इतना ज्यादा है, निर्विशेष ब्रह्म चिन्ह मात्र अनुभूति, निर्विशेष ब्रह्म में चिन्ह मात्र अनुभूति कुछ नहीं है ज्यादा। ऐसा करके कृष्ण भक्ति का बारे में बताया गया कि इतना सुदुर्लभ है, और पक्का विचार किया जाए भगवान जी जतोतामपि सिद्धानाम कश्चित मामवेति तत्वतः, ये तत्वगत विचार में जो मेरे को जानता है बहुत रेयर है, ये भक्त छोड़ के कौन हो सकता, भक्त छोड़ के कौन हो सकता, ये कौन नहीं, भक्त अहम एकया लभ्य, भक्ति के द्वारा ही हम पकड़ में आते हैं, लोग हमको जानते हैं। चतुश्लोकी भागवत का चार श्लोक हमने बता दिया पूरा, और चैतन्य चरितामृत में ये भी है कृष्ण विषयक प्रेमा ये परम पुरुषार्थ, धर्मार्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ तो है ही है, इसका पीछे तमाम दुनिया भी भाग रहा है, फिर भी चैतन्य चरितामृत में तो बताया गया ये कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष इसका सामने बहुत तुच्छ है, इतना तुच्छ है, इतना तुच्छ है, हेव है तो बता नहीं जाए। कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ जिसका सामने तृण तुल्य तिनका का बराबर भी नहीं, चार ही पुरुषार्थो धर्म अर्थो काम मुख्य बहुत हल्का चीज है, फालतू चीज है, कोई इंपॉर्टेंस ज्यादा है नहीं। पंचम पुरुषार्थो प्रेमानंदामृत सिंधु ब्रह्मादि आनंदो जार नहीं एक बिंदु, पंचम पुरुषार्थो जो कृष्ण प्रेमा इसका सामने ब्रह्मानंदों को लिखा रखा जाए तो एक बूंद का बराबर भी नहीं है, इतना सुदुर्लभ। इतना सुदुर्लभ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। उसका बाद भगवान कह रहे हैं कि अगला दिन चर्चा हुआ था भूमि राप अनलो वायु खंग मनोबुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में प्रकृति रष्ट था, बहुत सारे चर्चा भी हुआ।
भगवान कह रहे कि हमारा बहिरंगा प्रकृति जो है, एक ही जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार का डिवीजन है। भले ही आठ प्रकार का डिवीजन है, लेकिन सारे जड़ा प्रकृति जड़ा है, इनर्ट है, इसके चेतना नहीं है, जड़ा प्रकृति। महाप्रभु जी ने उदाहरण दिया अजगल स्तन, जैसे अजा मतलब छागल का सामने लगता है कि दूध निकालेगा गले के सामने, अजगल स्तन महाप्रभु जी ने उदाहरण दिया। जो भी है भगवत स्वरूप और भगवत ऐश्वर्य ज्ञान के नाम तमाम मिलकर भगवत स्वरूप और भगवत ऐश्वर्य ज्ञान का नाम भगवत ज्ञान कुल मिला के, और ज्ञान के हमारे में विश्वनाथ चतुर्थी बाद उस दिन बताया था चर्चा करके, जो ज्ञान जो है, और सिद्ध साई पाद जी ने बताया शास्त्रीय ज्ञानी ज्ञान और अनुभव ई विज्ञान है, ये हमने भी चर्चा किया था। विश्वनाथ चतुर्थी कह रहे हैं ज्ञान ऐश्वर्यमय लेकिन विज्ञान माधुर्यमय, इसमें गभी गहरा रहस्य जुड़ा हुआ है, इसमें बहुत गहरा रहस्य है इसमें। तो अभी ये चर्चा करते करते आया भक्तिविनोद ठाकुर इसका बारे में बताएं कि भगवत स्वरूप और भगवत ऐश्वर्य ज्ञान के नाम है भगवत ज्ञान। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं विवृति में, मानो कि भगवान कह रहे कि हम सदा स्वरूप संप्राप्तो शक्ति संपन्न, शक्ति के साथ जुड़ा हुआ जो तत्व है ये कंप्लीट तत्व है। भगवान का धाम नाम परिकर वैशिष्ट तमाम सब कुछ एक साथ करके अद्वैत ज्ञान तत्व शक्ति को अलग किया जाए तो ये अधूरा रह जाता है। शक्ति को अलग किया जाए भगवान से ये विचार ठीक नहीं। जब भी शक्ति और भगवान एक है, शक्ति शक्ति मतोर अभेद, लेकिन मायावादी लोग का विचार है शक्ति बोल के कोई तत्व को माना जाए तो अद्वैत ज्ञान तत्व का हानि हो सकता, इसलिए भगवान को निर्विशेष निर्शक्तिक निर्गुण, निर्गुण का मतलब वो सोचता है कोई गुण नहीं है, लेकिन महाप्रभु जी ने विचार करके देखा है कि निर्गुण का मतलब कोई गुण नहीं है ऐसा नहीं, निर्गुण का मतलब प्राकृत गुण रहित है, लेकिन अप्राकृत गुण जरूर है, अप्राकृत गुण जरूर है, ऐसा नहीं कि अप्राकृत गुण नहीं। अगर अप्राकृत गुण नहीं है, सर्वमोटे जो कि महाप्रभु जी बताए उपनिषद में, आप बता रहे हो कि भगवान ने उपनिषद में ऐसा बताया गया भगवान के बारे में, अपानी पाद जवनो गृहत पश्यति अचक्षु श्रृणति अकर्ण, महाप्रभु जी ने सर्वमोटे जज्जु को व्याख्या करके बताए भगवान प्राकृत गुण रहित है लेकिन अप्राकृत गुण जरूर है। और ये जो जगत है सृष्ट जगत, ये अन्य व्यतिरिक रूप से सारे भगवान का साथ जुड़ा हुआ है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ये जो सृष्ट जगत जो है व्यतिरिक चिंता के द्वारा संबंधिक अवस्थिति, और परमात्मा का बारे में अगर बताएं जैसा भगवत जी महापुराण बताए वदन्ति तत्त्वविदं सत्यं यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, ये जो निर्विशेष ब्रह्मवाद इसमें चिन्ह मात्र अनुभूति, और इसके बाद परमात्मा रूप में भगवान का परमात्मा वैभव,
परमात्मा संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद जी ने लिखा ये परमात्मा वैभव है। इस जगत में तमाम सब जीव राशि हैं, सब कोई का अंदर में भगवान बैठा हुआ है। प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम, प्रादेश मात्रम मतलब ये वृद्धांगुली और कनिष्ठांगुली को फाड़ दो, फाड़ दो मतलब सीधा कर दो, एकदम एक्सटेंड कर दो। इसका बीच में जो जगह होता है, योगी लोग जो अंदर में भगवान को परमात्मा को दर्शन करते, परमात्मा का साक्षात्कार चतुर्भुज भगवान, तो ये प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम हृदय में बैठा हुआ है। गोस्वामी लोग जीव गोस्वामी पाद जी भी बताए और खास करके भक्तिमय ठाकुर का व्याख्या और भी, क्योंकि गोस्वामी लोगों का लिखन जो है बहुत ऊंचा किस्म का, भक्तिमय ठाकुर का नहीं है तो समझना बहुत भारी पड़ जाता है। भक्तिमय ठाकुर जी ने बताए भगवान का तरफ से, मानो कि भगवान कह रहे, भगवान कह रहे हैं कि हमारा जो परमात्मा स्वरूप ये भी हमारा अंशगत स्लाइट पार्शियल एक्सप्रेशन, अंशगत जगत मध्यवर्ती आविर्भाव, ये भी पार्शियल एक्सप्रेशन, हमारा भगवत्ता का सामान्य प्रकाश परमात्मा के रूप में जगत अंशगत हो। भगवान हर जीवों का साथ परमात्मा के रूप से खिरगत खिरद गोसाई अनिरुद्ध विष्णु का रूप से हर हृदय में बसे हुए हैं। और मानो कि भगवान कह रहे हैं कि ये जो हमारा परमात्मा रूप से जगत में जो आविर्भाव है ये भी अनित्य है, ये हर वक्त नहीं है, सृष्टि नहीं है। सृष्टि अगर मिटमाट हो गया तो तमाम जीव भगवान के अंदर में चला जाता। जगत में ये जो ये फल तो अनित्य जगत संबंधी तत्व विशेष, जब जगत प्रकाशित होता है जीवात्मा ये जगत में शरीर धारण करके प्रकाश, तो इस जगत का अंदर में इज अ पार्शियल एक्सप्रेशन सामान्य प्रकाश, इसका भी नित्य स्वरूप नहीं है। हृदय में अगर देखो तो देखो ठीक है, कोई अगर हिम्मत है देखो, लेकिन इसका भी भक्ति मंत्र करें नित्य स्वरूप जो है, जैसे भगवान का किसी भी हालत से नित्य स्वरूप भगवान का बना हुआ है, नित्य स्वरूप अनंत काल से नित्य स्वरूप भगवान का है। और भगवान भक्ति मंत्र कह रहे हैं कि हमारे जो परमात्मा रूप में जो जगत में जो प्रकाश, ये पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ माई भगवत्ता, और फलतः विचार करके देखो तो अनित्य जगत संबंधी तत्व विशेष, जगत में परमात्मा का, ऐसे तो परमात्मा तो भगवान ही है नित्य है ऐसा नहीं। तो भक्ति मंत्र कह रहे हैं भगवान का तरफ से, मतलब कि भगवान कह रहे हैं कि हमारा इसका नित्य स्वरूप, किंतु मेरा श्याम सुंदरम अचिंत रूपम, ये जो ब्रह्म संहिता में है गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि, भगवान कह रहे हैं कि देखो हमारा भगवत स्वरूप जो है ये नित्य है, इसका पूजा पाठ होता है, प्रेम पूजा होता है, लीला का दर्शन भी होते रहता है। परमात्मा का क्या लीला है, कुछ नहीं, परमात्मा के रूप में बस ये दर्शन होता है। कोई योगी अगर सक्सेसफुल हुए तो दर्शन कर ले, सेवा का प्रसंग क्या है, वो तो योगी क्या सेवा करे। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हमारा भगवत स्वरूप जो है नित्य स्वरूप है, इसका प्रेम सेवा है, सब कुछ है। और भगवान कह रहे हैं कि हमारे ये स्वरूप का अंदर में दो शक्ति का निर्णय किया जा सकता है, दो प्रकार का, एक है बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति जिसको बोला जाता है, इसको जड़ जननी, ऐसे तो देवी पूजक सब जगत जननी बोलते हैं, लेकिन चंडी पाठ में जो बोला हुआ है जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, ये जो बताया वो शक्ति रूपेण संस्थिता, और नमस्तस्यै 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 नमो नमः इत्यादि बताया गया। और चंडी पाठ में ये भी बताया गया आनंदमयी मां, ये लोग अकल नहीं है, विचार नहीं कर सकता,
चंडी में खुल्ला में खुल्ला बताया गया आनंदमयी माँ। अजय आनंदमयी बाप बताया, ये आनंद जो है ये तो जड़ जगत का आनंद नहीं है, भगवान का शक्ति का प्रकाश है, इसीलिए ये आनंदमयी आनंदमयी माँ बोलते आनंद नित्य है, अर्थात भगवान का साथ भगवान का अंतरंग शक्ति जो है नित्य बसी हुई है, और बहिरंगा शक्ति जो है ये माया शक्ति है, ये जड़ा जननी, इसका नाम अपड़ा शक्ति। कई बार श्लोक भी बताया गया था हैं इसका बारे में, बहुत सारे चर्चा भी हो गया था पहले। और ये जो जड़ शक्ति है, जड़ारूपा शक्ति जो है, जड़ जननी, इसलिए अपड़ा शक्ति। और भगवान कह रहे हैं कि हमारा अपड़ा व जड़ संबंधी शक्ति का अंदर में चार तत्वों का विवेक है, तत्व संख्या। ये भक्ति में ठाकुर खुद कह रहे हैं कि भगवान का तरफ से अपरा व जड़ा संबंधी जो शक्ति है, ये भी आठ किस्म का विभाग है। ये भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये रेस्पेक्टिव जो तन्मात्र है, एक एक वस्तु को भोग करने वाले पंच महाभूत का एक एक को एंजॉयमेंट करने के लिए तन्मात्र हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंधों का ये दस तत्व का आविर्भाव हम अभी बताएंगे। अहंकार के द्वारा ये अहंकार जो है, एक अहंकार का शब्दों के द्वारा अहंकार, ये शब्दों जो है अहंकार शब्द, अहंकार अर्थात कार्यभूत एकादश इंद्रियों, मैं मेरा, ये भाव का विचार है इसका अंदर अहंकार। और बुद्धि इधर जो भूमि राप अनलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच, यहाँ बुद्धि का विचार से जितना सारे जड़ जगत का आदमी है सबका अंदर में जो बुद्धि तत्व है, ये बुद्धि तत्व है, ये बुद्धि तो है ही है, लेकिन इधर विशेष करके इस श्लोक में ये बुद्धि के द्वारा महत तत्व को इंडिकेशन किया गया। ऐसे तो हमारा सारे तमाम जड़ जगत का जितना सारे प्राणी है उसका अंदर में जो बुद्धि है, मानव है इसका अंदर बुद्धि है, ये भी जड़ है, ये जड़ बुद्धि है, ये मेटेरियल है, लेकिन विशेष करके इस श्लोक में ये बुद्धि शब्दों के द्वारा महत्त्व का बारे में बताया गया। और मन, ये मन के द्वारा, ये जब मन बताया गया खंग मनो बुद्धि रेवच, बुद्धि के द्वारा महत्त्व मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टोटल क्रिएशन का पॉसिबिलिटी है, संभावना, इसके बुद्धि के द्वारा तुलना किया है। जैसे कोई क्रियाकर्म करने का पहले मन में भावना आया, लेकिन बुद्धि निर्णय लेता है, बुद्धि डायरेक्टर है, बुद्धि विचार करके डिसीशन लेता है। ये जब भी प्रकृति जड़ है फिर भी भगवान का अपरा प्रकृति, इसलिए इसका अंदर में चेतनाभास है, बहुत बार चर्चा किया, चेतनाभास है, इसीलिए लगता है कि प्रकृति करती है, लेकिन चेतनाभास है इसका अंदर में, वास्तविक चेतना नहीं है, इसमें एक्टिव लग रहा है बहुत। उदाहरण दिया गया, जैसे एक लोहे का टुकड़े को आग में लगा दो बहुत समय, तो लोहे का अंदर में तो आग नहीं है, लेकिन लोहे आग का अंदर में रहने का कारण आग का जो शक्ति है संचालित हो गया लोहे में। अग्नि शक्ते लौहो खंडो लौहो दंडो करे जारण, महापू उदाहरण दिया, महापू ने उदाहरण दिया, जैसे अग्नि का शक्ति लोहे का अंदर में ट्रांसलेटेड हो गया, और इसका बाद इसका पावर इतना बना कि ये आज अभी जला सकता है किसी, महाप्रभु ने उदाहरण दिया।
वास्तविक ये लोहे का शक्ति नहीं है, आग का शक्ति, इसका अंदर में स्टोरेज हो गया, आ गया। ऐसा ही मानो कि विचार है, ये जड़ा प्रकृति का अंदर में कोई प्राण तो है नहीं, लेकिन पुरुष और प्रकृति एक साथ रहने का कारण अनंत काल से एक चेतनाभास पैदा हुआ। इससे लगता है कि चेतन वस्तु जो आत्मा का जो प्रभाव है, इसका जो इन्फ्लुएंस है, ये प्रकृति अप्रकृति प्रकृति का अंदर में स्वाभाविक रूप में संचालित हो जाते। और इसके बाद जो प्रकृति का क्रियाक्रम है कि मानो लगता है कि ये प्रकृति का प्राण है ना। एक ही जोग माया महामाया पौड़मा पौड़ामा तला में नवद्वीप में जाओ तो एक ही देवी जड़ जगत का आदमी के सामने, जिसका अंदर में भक्ति बोल के कोई चीज नहीं है, उसका सामने देवी जी देवी मैया अपना महामाया अर्थात दुर्गा का रूप प्रकट, महामाया। और एक ही सामने भक्त लोग है, भक्त लोग का सामने देवी जी जोगमाया का रूप प्रकट करते, एक ही है। जोगमाया मतलब भगवान का साथ बद्ध जीवों को जोड़ने का व्यवस्था कर देती है, देती है, इसीलिए जोगमाया। जोगमाया का काम ही है जो भगवान का भजन करते करते ऐसा बन गया कि वो छोड़ेगा ही नहीं है, भगवान का चरण छोड़ने वाला नहीं है। तब तो जोगमाया का काम है ये भगवान का साथ संबंधों को जोड़ दे सुंदर करके। कृष्ण प्राप्ति में जोगमाया का बड़ा बड़ा भारी विशेष योगदान, इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में भी सुंदर करके बताया हम लोग का शिक्षा के लिए। कुलो देवी जोगमाया मोरे कृपा कोरी आवरण संगबरी वे तुम्हें विश्वधरी। कुलो देवी जोगमाया मोरे कृपा कोरी आवरण संगबरी वे तुम्हें विश्वधरी। सुने जी आगम वेदे महिमा तुमार श्री कृष्ण विमुख धोरी कराओ संसार। श्री कृष्ण सन्मुख जार भाग्य को में है तारे मुक्ति दिया करो अशोक अभाय। निष्कपट हो हे माता अमां पानी चाओ, भक्तिमय ठाकुर जी ने कीर्तन में लिखा है। भक्तिमय ठाकुर जोगमाया के बारे में ही बताए। आज जड़ जगत का आदमी यदि देवी पूजन करने जाए तो ये छाया देवी का, जैसे सीता देवी रावण पकड़ने आए, रावण का पकड़ में थोड़ी आने वाली है, देवी अंत ध्यान करके छाया अग्नि छाया सीता को सामने कर दी, सामने रख दी, और छाया सीता को लेके ये दो रामायण का घटना है। तो छाया सीता हमारा शैडो का मापिक नहीं है, अपरागिक जगत का जो छाया भी पड़ता है इसका भी कोई वैल्यू है, है? हमारा शैडो का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो जो जिस जगत में है उस जगत में सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्व भुवनानि विभूति दुर्गा इच्छानुरूपमपि जस्व च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। ये जो छाया सीता को सामने कर दी रावण के सामने, और छाया सीता को लेके ही जितना सा लपड़ा हो गया, जितना लड़ाई झगड़ा सब छाया सीता। महाप्रभु जी ने स्वयं युक्ति दी, दक्षिण भारत में भ्रमण करते हुए राम भजी विप्रो दुखी होके रंधन फंदन रसी बंद कर दिए। महापुर ने बताया आपने मेरे को निमंत्रण की और रसी क्यों नहीं कर रहे, क्या बात है? बोले एक्चुअली बात यह है कि राक्षस रावण सीता देवी को पकड़ के ले गया, ऐसा है, दुखी होके उपवास कर रहा है। महापुर ने बहुत प्रसन्न हुआ, आपका भजन का जो स्टाइल है भाव है बहुत सुंदर है, ऐसा करके है ये बाद में, पहले जो है पहले बोला अभी वनवास में है, लक्ष्मण जाके कब सब्जी फल मूल लाए तब सीता देवी रोसी करेगी, ऐसा। अब बाद में जब दुखी होके सेकंड टाइम तो वो दुखी होके हैं, जब महाप्रभु जो कुर्म पुराण से सीता देवी माया सीता अर्थात छाया सीता का हरण के बारे में ये ब्राह्मण के सामने रख दिया, बोला आप भोजन करो, सीता को स्पर्श करना राक्षस का काम नहीं है,
महाप्रभु कह रहे हैं कि सीता को स्पर्श करना तो दूर की बात है, सीता को देख भी नहीं सकता, सीता को देखना भी संभव नहीं है, समझा मेरा बात। अप्राकृत वस्तु को वो प्राकृत गोचर न है। रावण प्राकृत दृष्टि लेके सीता देवी को हरण करके ले गया, ये तो छाया सीता। महाप्रभु बता रहे कि सीता को हरण करना, अपहरण करना तो दूर की बात है, सीता को स्पर्श करना भी संभव नहीं है। आप क्यों दुखी हो, खाओ भोजन कर लो। ये देखो प्रमाण लाया है दक्षिण भारत से। आगे पयश्यदी नदी तीरे एक ब्राह्मण सब पाठ कर रहा था, कूर्म पुराण से महापो लिखवा लाए और ब्राह्मण को दे दिया। तो ऐसा है कि संभव नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जोगमाया कुल देवी जोगमाया मोरे की बात करी, कुल देवी जोगमाया, लेकिन जड़ जगत का हम ये महामाया का भजन करते हैं। धनम देही जनम देही जसो देही दिशो जो ही, ऐसा करके। तो ऐसा है, ये बुद्धि है। आपको ये एक संशय आ सकता है, हमारा बुद्धि अभी अभी गया बताया कि प्रकृति अचेतन है, उस पर बुद्धि कैसे काम करे, यही तो बोल रहा है। इसीलिए तो इतना बातें बताया, इसीलिए तो इतना बातें बताया ना, ये प्रकृति का प्राण नहीं है, जड़ है, लेकिन फिर भी अप्राकृत जगत का जो जोगमाया उसका छाया है, शैडो, इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है। वैल्यू है किसका सामने, ये जड़ जगत का जितना सामने, दुर्गा देवी उसका पनिशमेंट दे रहा है, इसका भी काम है, जो ब्रह्म संगीता का श्लोक बताया, इच्छानुरूपम अपि चेष्ट तेसा गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो ये जो इसका, तो इसमें जैसे महामाया का चेतना नहीं है, प्रकृति का चेतना नहीं है, लेकिन चेतना भास तो जरूर है। ऐसा बुद्धि नहीं है तो बुद्धि का भास, बुद्धि भास, बुद्धाभास तो जरूरी है। तो इसका भक्तिविनोद ठाकुर जी ने शास्त्रों का पूरा प्रमाण विचार करके लिखा है, बुद्धि का द्वारा इधर ये जो श्लोक में भूमि राप अनलो वायु हो खंग मन बुद्धि रे वच, ये जो बताया बुद्धि, भक्तिविनोद ठाकुर ने शास्त्रों का पूरा तमाम विचार करके विश्वनाथ चतुर्वेदी बलदेव सारे ये सब सीधा साई सब विचार करके बताया भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बुद्धि शब्दों के द्वारा महत्त्व का बारे में बताया इधर। और अहम तत्व अगर नहीं है, मैं करता ये दुनिया में, अगर अहम तत्व जितना सारे है, ये तमाम इन्फिनिटी जीवों से अगर अहम तत्व को गायब किया जाए, ध्यान देखिए ये मजे की बात है, तमाम जीव जो है, ये तमाम जीवों का अंदर से अहम तत्व को हटा लिया जाए तजब की बात है। अगर अहम तत्व गायब हो जाए तो इसको लोगों का किछ कुछ चीज करने का इच्छा ही नहीं रह जाएगा। अहम तत्व करता, हम करता है, कर्तापन, अगर इसको वैनिश किया जाए तो किसी का अंदर में कुछ करने का नहीं रहेगा। संसार करता है आदमी, अहंकार है, मेरा संसार है, मेरा बच्चा है सब। और वैष्णव लोग संसार करता है, किसने संसार करो छारिया नचार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। वैष्णव लोग भी संसार करता है, भक्तिविनोद ठाकुर संसार किया, शिवास पंडित हैं, शिवानंद सेन, कौन नहीं किया, लेकिन ये लोगों का संसार के साथ जड़ जगत का जो बद्ध जीव है उसका संसार का तुलना अगर किया जाए तो वो पशु है, ये पशु है, आदमी नहीं है, पैजामा है। किसी भी आलस से बद्ध जीवों का संसार का साथ मुक्त पुरुषों का, भगवान का, भगवान का जो पार्षद लोग हैं उनका जो संसार है, इसका तुलना नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि भक्त लोगों का संसार जो है ये भगवान का संसार है। किसने किसने संसार करो छारी अनाचार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्मसार, किसने संसार करता है, वो सारे तमाम संसार को भगवान का साथ संबंध जोड़ लिया, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है, अभिमान नहीं है कि मेरा संसार है, मेरा बच्चा है, मेरा संपत्ति,
कृष्ण संसार करो छारी अनाचार हर जीवे दया कृष्ण नाम। जीवे दया मतलब इसका भी व्याख्या किया था, किसी का अंदर में जो गलत फहमी है माया का प्रभाव है, ये माया का प्रभाव को हटाकर अप्राकृत विचार इसका अंदर में भर देना, यही जीवे दया है। जीवों का जो गुप्त स्वरूप छुपा हुआ है इसको प्रकाश करने में सहयोग कर देना, ये जीवे दया का प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवो दया का प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवे दया का जीवे दया का जीवे जीव में दया करना ये सबसे बड़ा अनोखा चीज है। जीवे दया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, इसका अंदर में जो बंधन है उसको छुटकारा दिलाकर इसको इसका जो जीव का जो अपना स्वरूप है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य भक्तो, ऐसा नहीं बोला, ध्यान दे ध्यान ध्यान देने वाला चीज है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास ऐसा, और दासत्व तो जो है ये भी पक्का एकदम स्टैंपिंग किया हुआ है, ये कभी भी मर मिट जाए कभी भी मिटेगा नहीं। दासत्व तो, ये जो रिलेशनशिप जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास ऐसा बताया गया। अब अगर ये प्रश्न किया जाए महाराज ऐसा क्यों नहीं बताया, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य भक्तो, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य भक्तो ऐसा क्यों नहीं बताया, ऐसा क्यों बताया कि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये प्रश्न अगर किया जाए इसका कारण यह है कि अनंत जीव अनंत काल से भगवान से विमुख है, भगवान नित्य है, बद्ध जीव भी नित्य है, कर्म भी नित्य है, माया भी नित्य है, सारे नित्य है। वेदांतों के सूत्र का हिस्सा अंग्रेजी कथा में बताया था, नित्य है ये आगे ये पीछे तो है, कहावत है, क्योंकि नित्य जगत का जो टाइम का विषय है ये जड़ बुद्धि लेके भी जड़ बुद्धि लेके समझ में नहीं आने वाला, समझा। जीव अनंत जीव नित्य है, भगवान नित्य है, कर्म नित्य है, कर्म अनादि है, तमाम चीजें अनादि है। सो भगवान से अनंत काल से अनादि, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख विदाउट एनी बिगिनिंग, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कब जीव भूल गया ऐसा नहीं, अर्थात बद्ध ही है, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त हो, दो कैटेगरी है, बाद में बताएंगे दो वजह से इसका विषय में, बद्ध जीव का भी कैटेगरी और मुक्त जीव का भी कैटेगरी कितना है क्या क्या है सब। अब यह प्रश्न आता है जो भगवान नित्य है, जीव सब नित्य है, नित्य काल से भगवान से विमुख है, ये विमुख जीवों को ट्रीटमेंट देने के लिए माया का ये व्यवस्था है, माया का प्रभाव, और ऐसा करके जीवों का अंदर में जो विमुख भाव है, जीवों का अंदर में जो जो भुलापा है कृष्ण दासत्व, ये दास भगवान का नित्य दास है इटरनली, इट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। लेकिन दासत्व अगर याद भी नहीं है, कोई दास अगर भगवान का सेवा ना करे कि दास तो दास ही है, जहां भी हो जैसे भी हो संबंध मिटने वाला नहीं है, भूल गया ये हो सकता भूल गया लेकिन संबंध तो मिटने वाला नहीं है, दूसरा कोई संबंध है ही नहीं, भगवान और जीवों में अचिंत भेदाभेद तत्व के द्वारा भगवान का साथ थोड़ा सिमिलरिटी भी है और डिसिमिलरिटी भी है, बहुत सारे ये सब है अचिंत भेदाभेद तत्व के द्वारा। अभी जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास इसलिए बताया कि मरमिट जाए कभी भी नित्य काल, ये संबंध ज्ञान है, संबंध ज्ञान के जागरूक नहीं हो पाई, संबंध ज्ञान का परिपुष्ट भूल गया ठीक है, लेकिन कृष्ण दासत्व तो ये जो संबंध है ये पिता का पुत्र जो है, पुत्र बिखर गया लेकिन पुत्र जो है संबंध ज्ञान तो है ही है,
पितृ बिखर गया, ठीक है चलो। लेकिन जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मतलब फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र में बताया गया अचिंत भेदत, भगवान का नित्य सेवा करना जरूरी है। नॉर्मल कंडीशन जीवों के अंदर में आ जाए अर्थात माया हट जाए तो जीवों का जो चिन्मय स्वरूप है इसमें इटरनली कृष्ण सेवा का जो संबंध है दासत्व है इसका परिपुष्ट विधान हो सकता। अर्थात माया हट जाए तो भगवान का सेवा में लग सकता। तो भगवान का सेवा में जब तक ना लगे तब तक भक्ति मन, भक्ति का व्याकरण में व्याख्या है भक्ति भज धातु से निष्पन्न हुई। भज धातु माने सेवा करना, तो भक्ति इज एक्शन, भक्ति एक्शन। दासत्व जो टाइटल है इसका अंदर में दास का सेवा भगवान का सेवा करना ठीक है, लेकिन दासत्व ये टाइटल जो है इसका अंदर में सेवा नहीं है। अगर भूल गया भगवान को दासत्व ये शब्दों का अंदर में ये इंडिकेशन दे रहा है कि मालिक का सेवा करना दास का उचित है, ये ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि दास दूसरी जगह है मालिक दूसरे का बिखर गया सेवा हो रहा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन दासत्व जो टाइटल है ये तो है ही है। लेकिन जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य भक्तो ऐसा कहने से होता नहीं, क्यों? जी तो भूल गया ना, सेवा नहीं कर रहा। भक्ति शब्द जो है भज धातु से अर्थात सेवा, सेवायाम, सेवा करने से भक्ति शब्द होता है। सभा नहीं हो रहा तो सब सब हर जगह एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य भक्तो, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास ऐसा बताना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बताया गया ऐसा करके। तो बुद्धि तत्व जो है ये बुद्धि तत्व के साथ भक्ति विनोद ठाकुर शास्त्रों का प्रमाण बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ सबके सब विचार करके रखा कि बुद्धि शब्द जो महत्त्व के साथ तुलना किया गया। और मन जो है, यह मन जो है मन में जो तरह तरह का ये जो प्रतिच्छवि चिंतन ये प्रधान फाइन फॉर्म में है, समझा? जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जो उदाहरण दिए दिया, कोई अगर आदमी विषयों से छुटकारा मिलना चाहते हैं वो अगर जंगल में चले जाए तो फायदा कुछ नहीं। बोले क्यों, विषय से तो दूर हो गया? नहीं, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं और हम पंचम स्कंदों का प्रियव्रतों का श्लोक भी उठाया था, याद करके देखना, भयम प्रमत्तस्य वनेषु पिशाच जतः सास्ते सहषट पत्न्या जितेन्द्रियस्य आत्मरतेर बुधस्य, यह श्लोक व्याख्या किया था। यह ब्रह्मा जी अपना पोता को समझ रहे है, देखो बेटा तुम अगर जंगल में चले जाओ, अगर तुम्हारा बद्ध मन तुम्हारा साथ चले जाए तो फायदा तो कुछ है नहीं। बाहरी दृष्टि से तुम्हारा सामने कोई विषय है नहीं, लेकिन मन में, मन का अंदर में विषय भरपूर है। तो मन का अंदर में विषय अगर है तो विषय इन फाइन फॉर्म है, विषय फाइन फॉर्म में रहे तो और भी डेंजरस है। विषय अगर बाहरी दृष्टि में हमारा सामने विषय नहीं है, हम सन्यासी लिया बाबा बाना ठीक है, बाहरी दृष्टि में मेरा सामने कोई विषय है नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप से अगर अंदर में विषय है और ज्यादा खतरनाक है, खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक। इसलिए प्रियव्रत को भगवान ब्रह्मा जी ने बताए पोता को, भयम प्रमत्त से भुवनेशु पिशाच, अरे अगर तुम वन में जाओ जंगल में जाओ तो क्या फायदा बेटा, जंगल में जाओ उधर भी जाके तो तुम्हारे विषय से छुटकारा तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि मन का अंदर में तुम्हारा विषय तो भरपूर है। और उल्टा करने से अच्छा है, जैसे हमारा महाप्रभु का उपदेश है जे कृष्ण संसार करो छारी अनाचार, संसार करो कृष्ण का संसार करो अनाचार छोड़ दो। जिसका अंदर में विषय का और कोई खिंचावट है नहीं, आकर्षण है नहीं, कोई बिल्कुल कोई
आकर्षण नहीं है विषय में, वो अगर संसार पे रहे तो उसमें क्या हर्जा है। आदमी त्यागी बनता है तो इसलिए ना कि विषय से छुटकारा छुटकारा मिले। अगर विषय से छुटकारा मिल गया तो जंगल में भी जाके बेचारा क्या करे। जनक राज आदि अम्बरीश महाराज ये लोग का रहस्य तो यही है ना, हैं? ये राजा बन के बैठे हुए फिर भी अंदर में विषय नहीं है। ये सबसे अच्छा है ना कि बाहर में विषय रहे रहे ठीक है, ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट युक्त वैराग्य करके सारे के सारे समान और व्यक्ति को हम कृष्ण का सेवा में ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट कर देंगे युक्त वैराग्य। और छोड़ के जाने से क्या फायदा, मन का अंदर में विषय है, विषय सताएगा और जंगल में जा भी विषय का संग जरूर होते रहता है। बाहरी दृष्टि में छोड़ दिया स्त्री संग सारे मैटर, लेकिन अंदर मन ही मन चल रहा है असत्संग, ये और ज्यादा खतरनाक है। इसे तो अच्छा है जो बाहरी दृष्टि में विषय है लेकिन अंतर में विषय का कोई प्रभाव नहीं है, आकर्षण नहीं है। ये युक्त वैराग्य है। जनक महाराज से लेकर परीक्षित महाराज, सुखदेव तुम्हारा, अम्बरीश महाराज, जनक, सारे के सारे, पृथु महाराज, सारे युक्त वैराग्य का ही प्रभाव है। जंगल में जाने से अगर मन का अंदर में विषय भरपूर है, क्या मन को कैसे शोधन करोगे? मन का शोधन का कोई रास्ता बताओ, किसका पास है, किसका पास है मन को शोधन करने का पावर, किसका पास है, किसी का पास है क्या? तो नहीं है तो सोच लो आप विचार करके, वीक है, यही वीक पॉइंट है। मन को शोधन भजन का जितना भी जो भी रास्ते पे जाओ सबका सब एक ही पहला विचार है, सर्व एव मनो निग्रह लक्षणांता, समझा? 11 स्कंद में लिखा सर्व एव मनो निग्रह लक्षणांता। एनी भजन यू स्टार्ट, किसी रास्ता में जाओ भजन का, अप्रूव रास्ता, ऐसा नहीं कि मनमानी, हमला अप्रूव रास्ता जो है, किसी रास्ते पे जाओ इसमें मन जो है सबसे बड़ा पहला स्टेप है। द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट विक्ट्री ओवर योर माइंड, मटेरियल माइंड। मन का ऊपर जय प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है, इतना बड़ा चीज है। प्रिय व्रतों को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जंगल में भी जाएगी क्या फायदा है अगर मन में विषय बैठा हुआ है। भयम प्रमत्त स्वनीषु पिशाद जत सास्ते सहसठ पत्निया, छ किस्म का रिपु हैं, छ रिपु जो है काम क्रोध लोभ मोह मदम आश्चर्य, छ रिपु घेर के रखे हैं, छ रिपु के साथ बैठा हुआ है जीवात्मा, छ रिपु जो है घेर के बैठे हुए पूरा। इसी अवस्था में जंगल में जाने से कोई फायदा नहीं, विषय है, और संसार में रह के अगर विषय नहीं है तो बड़ा बात है, तो क्या हर्जा है इसमें, कुछ जो नुकसान तो है नहीं। तो ऐसा करके मन का अंदर में तरह तरह का भावना आते रहते, वो भावना को पॉजिटिव नेगेटिव दो किस्म का सेग्रीगेट किया जाए। नेगेटिव भावना जो है ओलिक है, फेक है, इसका कोई बैकग्राउंड, बेसलेस जिसको बोलता है, जिसको अंग्रेजी में बेसलेस, भित्तिहीन, निराधार, ये ऐसा बहुत विचार आते रहते, इसका प्रैक्टिकल में कोई फाउंडेशन है नहीं। और बुद्धि जो है महत्त्व, ये बुद्धि विचार करके लगाता है। पहले भी हमने बता दिया, देखो विचार करके देखना है, ये जो सतर जो तम गुण का जो सम्मावस्था, सतर जो तम गुण का जो सम्मावस्था, इक्विपॉइस्ड कंडीशन, बैलेंस कंडीशन, सतर जो तम गुण का जो बैलेंस कंडीशन है, इसका नाम है प्रकृति, सम्मावस्था, सतर जो तम
सत्तो रजोस्तम शाम सम्यावस्था प्रकृति ही, प्रकृति का यही नाम है सत्तो रजोतम गुण का जो सम्य अवस्था है इस प्रकृति है। और ये जो प्रकृति है ये जो सतरोतम का इसके इससे क्या होता है उसके बाद भगवान का इच्छा का अनुसार, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान का इच्छा का खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। भगवान का जो बद्रजीव जो करते रहते भगवान का इच्छा का खिलाफ, ये भी इंस्पिरेशन में अकॉर्डिंग टू इज कर्मफल, ये जो कर्मफल अपना किए हुए कर्म का फल भोग रहा है ये भी दुष्ट व्यक्ति, इसका भी दुष्ट कर्म करने का जो इंस्पिरेशन है ये भी ठीक है। चलो भगवान डायरेक्टली इसको कभी नहीं कहते कि बाजे कम करो, इसलिए गीता में भगवान बताया ना आदत्य कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभुम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेनम यद्यत् जन्तवः। जैसा दुर्योधन भी बताया भगवान हमारा धर्म का बारे में ज्ञान है लेकिन करने का इच्छा भी नहीं है, अधर्म क्या चीज है ये भी पक्का मालूम है लेकिन अधर्म से मैं दूर नहीं रह सकता, मेरा स्वभाव है। उसका बात कह दिया कि तैयार इसी के जहरी स्थित न दुष्ट व्यक्ति के अंदर में जो फिर वो भी इनडायरेक्टली भगवान से ही आता है। भगवान ने कभी कहा नहीं, वो अपना कर्मफल, कर्मफल का कर्म का जो फल देने वाला कर्मों का बीज तो जीव का साथ रहता ही है लेकिन कर्मों का बीज का जो फल कर्म का जो फल है ये फल देने वाला भगवान है। जैसे उदाहरण दिया था उस दिन हमारे पास बीज है लेकिन हमने बो दिया बीज को लेकिन उसमें हवा भी नहीं चलता और सनलाइट सूर्य रश्मि भी नहीं है, बातास भी नहीं लगता, तो जीव कामिया जिसमें जीव वो जो बीज से अंकुरोद्गम कदापि संभव नहीं है, समझा। बीज तो जीव का ही है अंदर में और कर्म का फल भी कर्म का अपना जो कर्म जो है कर रहा है लेकिन फल जो है ये वृष्टि का साथ तुलना किया गया। भगवान अगर बारिश दे तो कर्म का जो फल है ये मिलता है। तो ये जो सम्य अवस्था प्रकृति का सत्व रजोतम गुण का सम्य अवस्था ये इसका नाम है प्रकृति। आ प्रकृति अगर क्षोभित, प्रकृति अगर क्षोभित हो गया तो उसका बाद महातत्व पैदा हुआ, पहला तत्व है बुद्धि तत्व, महातत्व विकार प्राप्त हुआ होके अहंकार, और अहंकार विकार प्राप्त होके पंच तदमात्र एकादश इंद्रियो, पंच तदमात्र का विकार जो पंच महाभूत ये 24 तत्वों का बारे में पंचविंशति तत्व कुल मिला के होता है। जगत का ये जगत का जो मूल उपादान है जैसे अद्वैत गोसाई के बारे में बताया महाविष्णु जगत कर्ता माया जो सियति अध, इसका बारे में महाविष्णु जगत कर्ता माया जो सियति अध तस्वतार एवं अद्वैताचार्य ईश्वर, ये जो अद्वैत आचार्य ईश्वर महाविष्णु के साथ अभिन्न है अद्वैत गोसाई का आविर्भाव तिथि आ रहा है। कहने का मतलब है अद्वैत गोसाई महाविष्णु के साथ अभिन्न तत्व है लेकिन फिर भी एक विशेष है, ये वैकुंठ तत्व तो है ही है इसमें एक विशेष बना हुआ है कि मायाधक्षेण प्रकृति स्वयति चराचर, महाविष्णु सिर्फ इक्षण मतलब दर्शन के द्वारा प्रकृति के अंदर में जो बीज बोपन फला समझा, ये मायाधक्षेण प्रकृति स्वयति चराचर हमारा प्रिंसिपल शिप से प्रकृति के अंदर में प्रकृति क्षोभित हो जाता है, इसका अंदर में जो बीज आधान ये हो जाता है। महाविष्णु का साथ प्रकृति का डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं,
और महाविष्णु जगतकर्ता जो अद्वैत गोसाई के बारे में ये वस्तु प्रकृति का जितना सारे इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट जानते हो मेटेरियल, सारे सूक्ष्म रूप में अद्वैत गोसाई के अंदर सिर्फ इक्षण करने से ही तो सृष्टि नहीं हो सकती। इक्षण करने के बाद प्रकृति का इंग्रेडिएंट्स जो है और ये महाविष्णु के साथ साथ अभिन्न है सदाशिव तत्व है, द्वादश ज्योतिर्लिंग बोल के विशेष है भगवान का दृष्टि जब पड़ा प्रकृति का गर्भ में। इस समय में जो लाइट बीम माने जितना चेतन जीवात्मा है लाइट पार्टिकल लाइक इन्फिनिटी सब प्रकृति का गर्भ में संचालित कर दिए दृष्टि के द्वारा। ये इट इज लाइक 12 किस्म का लाइट बीम है लगता है, ये द्वादश ज्योतिर्लिंगो इनके प्रतिष्ठा है। ये इसके द्वारा ही प्रकृति का अंदर में चेतनाभास हो जाता है, प्रकृति को लगता है कि ये क्रियावती। तो ये जो जगत का जो मूल है ये प्रकृति इंग्रेडिएंट्स है, ये अद्वैत गोसाई है प्रकृति री हो मूल कारणस्य संज्ञा मात्रम। ये प्रकृति जो अनादि अंतहीन नित्य असीम अति सूक्ष्म अलिंगो निरवय निर्विशेष प्रधान अव्यक्तो त्रैगुण्य इत्यादि या नामांतर प्रकृति से ही प्रधान, प्रधान का साथ बुद्धि का साथ तुलना के कैसे सृष्टि आगे बढ़े इसका जो जजमेंट है ये प्रधान से ऐसा करके त्रिगुण जो है 17 ये तो तीन गुण एक दूसरे का खिलाफ है। दे आर ऑल ईच एंड एवरी गुण जो है एक दूसरे का खिलाफ है, मतलब ये कहने का मतलब है ये त्रिगुण का जो स्वभाव है भाव है एक दूसरे का खिलाफ है, परस्पर विरोधी। क्योंकि सत्व का स्वभाव है प्रकाश अर्थात ज्ञान देना, सत्व अभी मेटेरियल सत्व बता रहा है, अप्राकृतिक सत्व अभी आया नहीं, हम पिता विचार किया नहीं। सत्व का स्वभाव है प्रकाश ज्ञान, तमो का स्वभाव है अप्रकाश व मोह, ऐसा करके रजो का स्वभाव है गति बल एनर्जी एक्टिविटी कुछ करना, ये सारे तो कुल मिला के चल रहा है। ऐसा करके तीन गुणों का सृष्टि काल में जब त्रिगुण का बैलेंस इक्विपोइस्ड कंडीशन जो है सम अवस्था जब भंग हो जाता है तब ही सृष्टि का प्रारंभ हो सकता है। क्योंकि प्रलय काल में त्रिगुण सम अवस्था में रहती है और बहुत सीक्रेटली रहता है पूरा, और वेद स्तुति में भी इसका बारे में बताया भगवान, जब आप आपका शक्ति का साथ खेला करना चाहते हो तभी हम लोगों का अंदर में डाइवर्सिटी बहुत सारे वैचित्र भाव का प्रकाशित हो सकता है। जय 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 याम तो दोष गिवित गुना तमसी जदात्मन समबरुद्ध समस्त भग, समबरुद्ध समस्त भग, प्रभु आप समान शक्ति को इकट्ठा करके अपने अंदर में रख दिया और इनएक्टिव का रूप में आप दिखा, सब कोई सृष्टि नहीं है। जब भगवान का अंदर में सृष्टि का फिर पुनः अवसर आया तो भगवान का इच्छा के अनुसार प्रकृति का बैलेंस का डिसबैलेंस हुआ, क्षोभित हो गया प्रकृति, और क्षोभित होने का कारण भगवान का इच्छा, साम भंग बैलेंसिंग कंडीशन भंग हो गया। तो यहां कारण तो है भगवान काल शक्ति वसतो
काल शक्ति वशतो यही भगवान चित्त शक्ति युक्त भगवान अदक्ष जो क्षुभित गुण ये जो माया है माया का काल के प्रेरणा का द्वारा काया बैलेंसिंग भंग हुआ उसके बाद माया क्षोभित होके फिर प्रधान आदि सारे तमाम सृष्टि चिदाभास रूप बीजेर आधान कर लें भगवान मायाध्यक्षेण प्रकृति श्वेत चराचरम अतपर इसके बाद काल प्रेरित हो अव्यक्त जो कि व्यक्त नहीं कोई दिखाई नहीं कुछ नहीं है अतपर काल प्रेरित अव्यक्त से महत्त्व का सृष्टि हो गया। इसमें विज्ञान आत्मा एवं तमनाशक परमेश्वर बीच जैसे अंकुरादि रूप में बीच का अंदर में एक वृक्ष का पॉसिबिलिटी जरूर है पोटेंसी एक बीच का अंदर में जैसे तमाम एक 5000 साल का 4000 साल का बट वृक्ष है तो बीच का अंदर में एक बट वृक्ष जो इतना सूक्ष्म है सरसों का राय का दाना से भी बहुत छोटी लेकिन ये जो बट वृक्षों का जो फल है इसका दाना है बीच इसका अंदर में टोटल ये जो बट वृक्ष है विशाल का है बट वृक्ष का जो पॉसिबिलिटी लुका हुआ है तो ये जो है भगवान बीज जैसे अंकुर आदि रूप में वृक्षों का प्रकाश कर देता है अंकुर उद्गम होता है उसका बाद धीरे धीरे बढ़ते चले तमाम वृक्षों का प्रकाश तो पहले अंकुरोद्गम रूप से विश्व का प्रकाश होना शुरू कर दिया काल के प्रभाव से त्रिगुण का बैलेंस भंग हुआ प्रधान का उत्पत्ति और धीरे धीरे अंकुरोद्गम होते चला कैसे सृष्टि फैलेगा पूरा सृष्टि जगत में ऐसा करके धीरे धीरे आगे चले तो विचार आता है यही महत्त्व जो है ये महत्त्व जो है विकार प्राप्त हो गया ये महत्त्व अभी विकार प्राप्त हो गया महत्त्व विकार प्राप्त होने से उनमें से अहं तत्व का पहले उत्पन्न होता है क्योंकि अहं तत्व नहीं है तो कुछ नहीं है कौन करेगा कर्तापन का कर्तापन अगर है ही नहीं कोई कुछ नहीं है अहंकार तत्व तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगा ये भगवान का बड़ा रहस्य है। महातत्व तो विकार प्राप्त हो गया प्रकृति डिस्बैर प्रकृति विकार प्राप्त हो गया उसका महातत्व उत्पन्न हुआ प्रकृति का बैलेंस क्षोभित हो गया त्रिगुण का बैलेंस फिर उसका महातत्व विकार प्राप्त होके अहं तत्व हो गया अहं तत्व कार्यो कारण कर्ता अहं तत्व तीनों में कार्यो कारण कर्ता अर्थात अधिक अधिभूत अध्वत्व और अधिदैव ये तीनों आश्रय भूत इंद्रियो और मन ये तीनों का विकार विशिष्ट हो और महत्वता का विकार हो गया अहं तत्व और अहं तत्व में तीन प्रकार का है एक है सात्विक राजसिक अहंकार जो है वैकारिक सात्विक है अहंकार तेजस राजसिक अहंकार उसके बाद तामसिक अहंकार तीन प्रकार का अहंकार डिवीजन है तीन किस्म का ये तीन किस्म का अहंकार में वैकारिक बा वो जो सात्विक अहंकार ये सात्विक अहंकार ये विकार प्राप्त हो गया सात्विक अहंकार का विकार प्राप्त हो गया और सात्विक अहंकार विकार प्राप्त होने से इसे मन का उत्पत्ति मन का और वैकारिक व सात्विक अहंकार विकार प्राप्त होके मन का उत्पत्ति एवं जो सब इंद्रिय अधिष्ठाति देवता
एक एक इंद्रियों का एक 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 अधिष्ठाती देवता है, शास्त्र में विभाग है। तो इंद्रिया जो इंद्रिय अधिष्ठाती देवता सकल, इसका भी आविर्भाव होता जे सकल इंद्रियों का अधिष्ठात देवगण उत्पत्ति होता है। तमाम इंद्रियों का अधिष्ठात देवता जो है ये सब धीरे धीरे तमाम प्रकाशित होता है। और इंद्रिय अधिष्ठात देवता गणों से जो शब्दादि विषय सकल, शब्दादि माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध हो, ये प्रकाशित हो गया। और तैयस व राजस अहंकार से, तैयस व राजस अहंकार विकार प्राप्त हो गया, इससे पंच ज्ञानेन्द्रियों पंच कर्मेन्द्रियों का उत्पत्ति, दस पांच पांच दस तो ऐसा राजस अहंकार विकार प्राप्त होके तो यजस्व राजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रियों कर्मेन्द्रियों उत्पत्ति हो गया। और तामस अहंकार, तामस अहंकार जो है विकार प्राप्त होके इसमें से सूक्ष्म भूत रूप शब्दों का आदि कारण जो है आत्मा का लिंग बा बोधक रूप आकाश का उत्पत्ति, समझा? तामस अहंकार, तामस अहंकार विकाप्त होके सूक्ष्म भूत रूप शब्दों का आदि कारण जो है, क्योंकि आकाश जो है शब्दों का आदि कारण है, सूक्ष्म रूप सूक्ष्म भूत रूप शब्दों का जो आदि कारण आत्मा का लिंग व बुद्धि आकाश उत्पत्ति हो गया। काल माया और भगवान का ये अंश के योग में भगवान का ठीक आकाश दृष्ट हो गया। काल माया और भगवान का अंश के योग से भगवान के द्वारा आकाश सृष्ट हो गया। ये आकाश से आकाश का गुण है शब्दों, ये सब धीरे धीरे हम बताएंगे। आकाश हो गया, आकाश से स्पर्शो का उत्पत्ति हो गया, स्पर्शो रूपांतर प्राप्त हो गया, मूल वायु सृष्टि हो गया। वायु का गुप्त रहस्य है जो स्पर्श है, समझा? ऐसा करके मूलभूत वायु सृष्टि हो गया। इसके बाद प्रबल वायु, वायु अन्य तो वायु आकाश का साथ युक्त हो गया, विकार प्राप्त हो गया। उसके बाद रूप तन्मात्रो तेज तत्व, तेज तेजियो तत्व का सृष्टि हो, ये तेजी सकल भुवन का प्रकाशक है, तेज तत्व का प्रकाश हुआ। काल माया और भगवान का अंश योग में यही परम पुरुष का त्रिग्ध तेज दृष्टो होता है। यही तेज विकार प्राप्त होके वायु का साथ संयुक्त होके रसतन मात्र हो गया, जल का उत्पत्ति। ऐसी प्रकार से काल माया भगवान का अंशीभूत और पुरुष के जो के द्वारा ब्रह्म कर्तिक विक्षित होकर दृष्ट होकर यही जल तेज का साथ युक्त होकर गंधमय गुण पृथ्वी अर्थात मिट्टी खेती, ये गंध गुणमय पृथ्वी का सृष्टि हो गया। ऐसा करके धीरे धीरे सूक्ष्म अवस्था से तमाम सृष्टि का पुकार सुने जा रहा। ऐसा करके हिसाब किया जाए तो कैसे 25 तत्व आ गया धीरे धीरे। ऐसा करके धीरे धीरे सृष्टि का रहस्य का उन्मोचन है, सृष्टि बढ़ती चल रहा है। महत्त्व का परिणाम अहंकार, प्रकृति परिणाम महत्त्व बुद्धि तत्व उत्पन्न होने के बाद धीरे धीरे कैसे कैसे सृष्टि आगे चलते रहा, कैसे कैसे सात्विक राजसिक तमसिक
गुण भेद अहंकार तत्व तीन प्रकार बताया। अहंकार अपन शक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न पदार्थ उत्पन्न करने का जो ताकत है आरंभ, तो पंच कर्मेंद्रियो पंच ज्ञानेन्द्रियो मन पंच तन्मात्र हो गया पंचभूत सारे तमाम लेके धीरे धीरे आगे चलो सूक्ष्म रूप से धीरे धीरे प्रकाशित होता सृष्टि प्रकाशित हो जाता है। और ये प्रकृति जड़ा प्रकृति है, पहले बताया कैसे चेतनाभास से चेतनाभास के द्वारा लगता है कि मानव प्रकृति के अंदर में चेतन है ऐसा लगता है। ऐसा करके भूमि राप अनलो वायु खं मन बुद्धि रेव छ अहंकार इति अंग में भिन्ना प्रकृति रस्त था। ऐसे प्रकार का आठ प्रकार का प्रकृति का विवेक कैसे प्रकृति का बैलेंसिंग अवस्था डिस्टर्बेंस हो के महत्व काल खोवित काल भगवान का ये है प्रभाव। और इसके बाद धीरे धीरे प्रकृति का तत्व का उत्पत्ति हुआ। इसके बाद ये श्लोक कहने का बाद भगवान कह रहे हैं कि देखो प्रकृति महातत्व अहंकार पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय मन, इसके बाद अहंकार से रूप रस गंध शब्द स्पर्श गंध है, उसके बाद तेज अग्नि तेज व अग्नि जिसको बोलता है जल पृथ्वी वायु आकाश, ऐसे करके प्रमाण तत्व का प्रकाशित हो जाता है। लेकिन भगवान ये अपना प्रकृति का बारे में ये तो बताया भूमि राप अनलो वायु खंग मन बुद्धि रेव जो अहंकार इतियंग में प्रकृति रस्त था। और अहंकार किसको बताया ये हम विचार किया, बुद्धि किसको बताया ये भी बताया, महत्त्व को मन कैसे मन का साथ किसका तुलना किया गया प्रधान का साथ, अर्थात जिन तमाम सारे वस्तु जो है उसका सूक्ष्म रूप के द्वारा प्रधान से वस्तु आता है माने इंग्रेडिएंट मैटर मैटर। इसके बाद भगवान कह रहे हैं कि देखो अपरियामितस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महावायो महाबाहो जयेदम धायते जगत। भगवान अर्जुन को कह रहे कि अर्जुन ये तो हमने बताया दो किसी का पराप्रकृति अपराप्रकृति, लेकिन समझ लेना इसके बाहर भी एक मेरा शक्ति अलग है अपर्याम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, दूसरा एक प्रकृति है मेरा ये जीव भूता महाबाहो जयेदम धैर्यते जगत। हे महाबाहो पहले जो आठ किस्म का मेरा प्रकृति का जो विभाग बताया प्रकृति पूर्वो पहले जो आठ प्रकार का विभिजन बताया प्रकृति का किंतु ये निकृष्टा इन्फीरियर और इससे भी बेहतर बहुत श्रेष्ठ जीव शक्ति अर्थात तत्वसा शक्ति रूपा हमार दूसरा एक प्रकृति है, इसका बारे में जानकारी ले लो अर्जुन। जीव रूपा अर्थात तत्वसा शक्ति रूपा हमारा दूसरा एक शक्ति है अपर्यामितस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो जयेदम धर्जते जगत। ये मेरा पराप ये हमारा जो तत्व ये जो हमारा आठ किस्म का व्याख्या किया है इसके अलावा इससे भी बेहतर श्रेष्ठ जो है जीव स्वरूपा हमारा और एक प्रकृति है समझ लेना जिसके द्वारा तमाम जगत टिका हुआ है। तमाम जगत जो टिका हुआ है अगर आत्मा नहीं है तो ये जगत किस काम का है, आत्मा नहीं है तो ये जगत किस काम का है, कोई काम का है नहीं। ये मीनिंगफुल अर्थबहुल ये मीनिंगफुल हो गया जब ये प्रकृति का अंदर में पुरुष का अनुप्रवेश हो गया।
इसको ही आगे चलकर भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा जो जीव शक्ति है इसके द्वारा ही तमाम जगत जगत जो है टिका हुआ है। तमाम जगत मेरा ये शक्ति के द्वारा धृत हुआ। क्यों? जगत चल रहा है, बोल रहा है, कर रहा है, कुछ भी एक्शन देकर सब वो हमारा चेतन शक्ति तत्वता शक्ति जीव शक्ति है। इसका इतना अनोखा प्रभाव है कि तमाम दुनिया जो है मीनिंगफुल लगता है। और चेतना को हटा दो, जीव शक्ति को हटा लो, तो जगत कोई काम का नहीं है, कोई काम का है। जगत मीनिंगफुल है तब जब पुरुष का अधिष्ठान है, जिसको हम पहले चर्चा करके बताया ना, चेतनाभास लगता है प्रकृति का अंदर। इसका कारण है एक का प्रभाव दूसरे का अंदर में घुसा हुआ है। एक का प्रभाव प्रकृति का प्रभाव पुरुषों में फैलता है, पुरुषों का प्रभाव प्रकृति में फैलता है, स्वाभाविक। भक्तिमोहन ठाकुर कह रहे हैं ये जो दो किस्म का पड़ा अपरा का अपरा शक्ति के बारे में हमने बताया अर्जुन, इसके अलावा एक तटस्था प्रकृति मेरा है, इसको परा प्रकृति भी बोला जाता है। ये प्रकृति चैतन्य रूपा जीवभूता, तमाम दुनिया का जो जितना सारे जीव है ये सोर्स है। ये सब जीव प्रकृति का अंदर में एक एक शरीर पकड़कर ये प्रकृति को ही भोगने का समान विचार कर लिया, समझा। चिन्मय आत्मा इसका साथ विषय का कोई तालुकात है, मैटर का कोई जोग तालुकात है नहीं, फिर भी एक दूसरे का साथ रहने का कारण इतना आपस में हिलमिल हो गया, मिक्सचर हो गया, एक दूसरे से जुदा करना अलग करना असंभव है। और भगवान कह रहे हैं कि ये जो मेरा जीव शक्ति है इसका प्रभाव है, पूरा जगत को पकड़ के रखा है। हमारा जो अंतरंगा शक्ति निश्चित हो चित जगत, आप बहिरंगा शक्ति नहीं किसी जड़ जगत। भक्तिमोहन ठाकुर सुंदर कह रहे हैं ये जो जीव शक्ति है, ये जीव शक्ति ये जगत में इतना प्रभाव जमा के बैठा हुआ है कि एक दूसरे का साथ एकदम ऐसा संबंधित है जो काटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मायारे कोरिया जाए छारानो ना जाए साधु गुरु कृपा बिना ना देखी उपाय। जब भी माया का साथ पुरुष का अर्थात आत्मा का चिन्मय आत्मा का कोई ताल्लुका है नहीं, फिर भी ऐसा जोड़ के बैठा हुआ है कि ये असंभव है। मायारे कोरिया जाए छारानो ना जाए साधु गुरु कृपा बिना ना देखी उपाय। साधु गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं। भगवान कह रहे हैं कि हमारा जो अंतरंगा शक्ति, ये अंतरंगा शक्ति निश्चित चित जगत है और बहिरंगा शक्ति निश्चित जड़ जगत है। जो महाप्रभु जी ने काशी वाराणसी में भी चर्चा करके दिखाया चे प्रकृति विकार प्राप्त होके सृष्टि माया विकार, चेतन वस्तु का विकार संभव नहीं। चेतन मतलब एक्चुअली हमारा जो अंदर में चेतना है आत्मा है इसका विकार नहीं है, इसका ऊपर कवरिंग है, एक मैजिक स्पेल चल रहा है। आत्मा अविकारी, नित्य ज्ञानमय, नित्य आनंदमय, नित्य प्रकाशमय, बहुत बार कहा, लेकिन फिर भी प्रकृति का अर्थात माया का प्रभाव ऐसा है कि ये अपना समझ के बैठा है, जबकि अपना कुछ नहीं है लेकिन अपना समझ के बैठा हुआ है। तो भक्तिमोहन ठाकुर लिख रहे भगवान कह रहे हैं कि हमारा अंतरंग शक्ति से निश्चित चित जगत अनंत चित जगत का वैभव और बहिरंग शक्ति निश्चित ये जड़ जगत अनंत वैभव दिखा है। जड़ जगत का वैभव, बहिरंग शक्ति का निश्चित जड़ जगत और ये दोनों का बीच में ये उभय जगत का उपयोगी, ये उभय जगत दो जगत जो बताया जड़ जगत और मन अपराकृत जगत के साथ अनायास एडजस्टमेंट कर सकता है, ऐसा प्रभाव है। ये उभय जगत
बोध जगत जो उपयोगी, ये दोनों जगत का रहने का काबिल हो सकता है, हैं? उभय जगत में रहने का उपयोगी है, ऐसे ही भगवान इसको बनाया। बनाया मतलब ये नहीं कि इन्फिनिटी है, अनंत काल से है ये सब चीज, जगत का भावना है, बनाया अपनाया शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत नहीं है, इन्फिनिटी अनंत काल से है ही है। तो ये उभय जगत का उपयोगी अर्थात जीव माया जगत में भी रहने का काबिल हो सकता, जीव एक्चुअली स्त्रीलिंग हो सकती ये है, और जीव शक्ति है ना, और अपराकृत जगत में भी रहने का लायक बन सकती, इसलिए इसको ततोस्था शक्ति माना गया, इसलिए इसको ततोस्था शक्ति माना गया कि ये दोनों जगह का बराबरी हो सकता है, इसलिए कोई चैतन्य चरितामृत में इसलिए बताया गया जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण ततोस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य, ये बोलना बहुत आसान है लेकिन इसका अगर विचार करने जाओ तो कितना हरी कथा लगे, ये तो कहने का बहुत इजी है जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, लेकिन लेकिन इसको अनुभव में उतारना चाहिए, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण ततोस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश, एक ही साथ भगवान के साथ भेद भी है अभेद भी है। भक्ति मोहन ठाकुर जी ने कहे कि भेद एवं अभेद में अभेद प्रोमिनेंट, जब भी कोई शास्त्रों में देखोगे, जब भी वेदांतों में किसी भी जगह भेद अभेद का प्रश्न आया है, भेद अभेद तो है ही है, इसमें तो कोई गुंजाइश है नहीं, लेकिन भेद अभेद अगर दो शब्द किसी जगह आया, इसमें अभेद से भेद प्रोमिनेंट होता है। भक्ति मोहन ठाकुर का विचार सब सबका, बलदेव विद्याभूषण भी ये बताया, भेदाभेद तो है ही है, जैसे भगवान विभु चैतन्य और जितना सारे तमाम जीव तत्व है, जीव 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 है चेतन कण, ये भी चिन्मय, भगवान विभु चैतन्य है, अनु चैतन्य, और इसमें सिमिलरिटी है, अभेद है, चेतन विषय में ज्ञानमय आनंदमय प्रकाशमय है, तो है महाप्रभु जी ने उदा उस दिन बताया था, एक मलय जो चंदन का एक टिक एक तो एक अगर तिलक लगा लो, तमाम शरीर सारा दिन ठंडी रहता है। तो ऐसा करके दोनों में क्वालिटेटिवली गुणगत विचार करो, गुणगत विचार करो तो उसमें कोई विभेद है नहीं, लेकिन प्रभावगत विचार करो, जीव अनुचैतन्य इतना छोटी इतना छोटी इतना छोटी, ये इसका चेतन पार्टिकल है, जब भी फिर भी इतना छोटी, लेकिन भगवान विभु चैतन्य, भगवान को माया पकड़ना संभव नहीं है। मायावादी लोग का विचार है भगवान विकार प्रत होके, ऐसा भगवान अगर विकारी हो गया तो कैसा भगवान है, भगवान अगर विकार प्रत हो गया तो कैसा भगवान है, वो खुद ही विकार प्रत हो गया तो हमको क्या रक्षा करे, भगवान का यूटिलिटी, ये लोग जो है मूर्ख 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 है, भगवान का जो यूटिलिटी है ये तमाम सत्यनाश कर दिया। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ठीक है, कृष्ण ततोस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश, भेद एवं अभेद जहां दोनों शब्द आता है, इसमें अभेद से भेद प्रोमिनेंट होता है, जीव नित्यकाल भगवान से अलग ही है, भेद अभेद किस दृष्टि से ऐसे बताए, क्वालिटेटिवली विचार करने जाओ तो इसका अंदर में सब ज्ञानमय चिन्मय ज्ञानमय आनंदमय प्रकाशमय, तो इसमें अभेद है लेकिन प्रभाव के द्वारा बिल्कुल अलग है, ये भक्ति मोहन ठाकुर भी विचार करके दिखाया, किससे तत्वशास्त्री वेदावित होगा, इसका उदाहरण भी दिया है बहुत सारे, और याद है जिसका बारे में पहले भी चर्चा किया हमने, विष्णु शक्ति पराप्रक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिश्वते,
विष्णु शक्ति तीन प्रकार, पराशक्ति, अताचित शक्ति। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, प्रोक्ता माने बोला, बोला गया, विचार किया गया शास्त्रों का विचार से ये विचार आया। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा अपरा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिष्यते। अर्थात विष्णु शक्ति तीन प्रकार का है, पराशक्ति, चित शक्ति, क्षेत्रज्ञा। ये क्षेत्रज्ञा क्यों बताया, पहले भी बताया, अब याद नहीं रहता आप लोगों का। क्षेत्रज्ञा क्षेत्रो, ये जो शरीर है इसको फील्ड बोला गया, क्षेत्रो। जैसे जमीन में बीज बोया जाता है और जैसे बीज बोगे ऐसा ही नर्सिमेंट करोगे, देखभाली करो, ऐसा ही फसल हो। इसीलिए शरीर को, शरीर को भी क्षेत्र बोला गया, क्योंकि इट इज वन काइंड ऑफ फील्ड ऑफ कल्टीवेशन। इसमें अगर अध्यात्म बीज का बपन करके चास करो, कल्टीवेशन करो, तो इसमें जैसे हमने कई बार बताया, इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअल कल्टीवेशन है। ये कल्टीवेशन किया जाए, चास किया जाए, इसमें माया का चास करो तो माया का प्रभाव आए, क्या करे। तो ये जो पराशक्ति, पराशक्ति, पराशक्ति है क्षेत्रज्ञा, मतलब ये जो शरीर एक एक बार जीवात्मा शरीर छोड़ के एक एक शरीर पकड़ता है अपना कर्म फल को भोगने के लिए, अपना बीज को लेके आ जाता है, आइए जगत से परिपुष्ट होके फिर क्रियाक्रम, फिर फल, फिर क्रियाक्रम, फिर मरना, फिर जन्म लेना, ये चक्कर चल रहा है। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि मातृ जठरे शयनम, ऐसे चल रहा है। तो विष्णु शक्ति जो है इसमें चित शक्ति, क्षेत्रज्ञा मतलब जीव शक्ति है, ये अविद्या से भिन्न है, और कर्म संज्ञान्या अविद्या शक्ति रूप माया, तीनों शक्ति का बारे में बताए। विष्णु शक्ति ही पराप्रक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा अपरा अविद्या कर्म संज्ञान, अविद्या से अविद्या कर्म संज्ञान्या, अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिश्वते। तो पराशक्ति चित शक्ति है, इसमें जहां तमाम चित जगत का जितना सारे बनावटी है, अनंत चित जगत, और ततस्था शक्ति जिसका बारे में पहले श्लोक में बदम ये जो बताया था भगवान, अपरियामितस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहो जयेदम धरते जगत। ये जीव शक्ति है जिसके द्वारा तमाम जगत धृत है, चल रहा है, मीनिंगफुल है, चल रहा है। आत्मा वा आर्य दृष्टव्य सतव्य निधि दर्शित, तो ये विचार करना फिर से, जब भी हम कर चुका। ऐसा करके भगवान बताए, उसके बाद एतत् जनिनी भूतानि सर्वानि इति उपधारयो अहम् कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सर्वानि भूतानि तमाम भूत सकल, एतत् जनिनी पूर्वोक्तो प्रकृति जातो इति उपधारे। हे अर्जुन समझ लेना, ये सारे भूत सकल जो है ये प्रकृति का, प्रकृति का गर्भ में उत्पन्न होके सर्वाणी भूतानि हैं, ये सकल भूत सकल एतत् जनिनी पूर्वोक्तो प्रकृति जातो, ये समझ के रखना अर्जुन। और हम ही है, अहम कृष्णस्य जगतः सारे तमाम जगत का प्रभव, उत्पत्ति कारण और तथा प्रलय तथा विनाश का कारण भी मैं हूं। कहने का तात्पर्य यह है, समस्त भूतगण, समस्त जीव, समस्त भूतगण पूर्वोक्तो प्रकृति, प्रकृति द्वय से निश्चित होके आ रहा है, और हम जो है सकल जगत, जगत का उत्पत्ति विनाश का एकमात्र कारण बन के बैठा हुआ है। तमाम जगत का उत्पत्ति और विनाश का एक मूल मूलभूत कारण है, कारण स्वरूप बन के बैठा हुआ है।
चिद अचित समस्त जड़ो ओ ततस्थ जगत ए दुई प्रकृति हईते निश्चित अतः भगवत स्वरूप जो मैं हूँ समस्त जगत का उत्पत्ति आ प्रलय का मैं मूल निदान हूँ, मैं द रूट कॉज। एतद् जनिनी भूतानि एतद् जनिनी भूतानि सर्वाणि इति उपधारयो अहम् कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तमाम चीजों का मूल कारण जो है तब मैं हूं। ये परा अपरा शक्ति द्वय इसका बारे में चर्चा किया, परापरा ये सब बारे में चर्चा हुआ है। ऐसा करके तमाम चीज का उत्पत्ति हो रहा है। ये परा अपरा शक्ति जो है, ये अपना शक्ति जो है सर्व जगत का, इसका मूल कारण बताया गया। एतद इति ऐसा बताए, एतद जनिनी भूतानि सर्वाणि इति उपधारयो अहम् कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। प्रभाव प्रलय उत्पत्ति स्थिति जितना सारे है समग्र प्रकृति के सहित जगत जो उत्पत्ति है विनाश है सबका मैं कारण हूं और कोई नहीं। और इसका बाद भगवान खुद खुल्लाम खुल्ला ऐलान कर दिया, देखो मत्तहा परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। अब असली बात मत्तहा तत्त्व मत्त संस्कृत में आता है, मत्तहा माने मेरे से हैं, मत्तहा परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय मत्त आमा से हमसे बरकर पर तत्व श्रेष्ठ तत्व नान्यत किंचित कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है खाली। मत्तः परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय कुछ भी नहीं है। क्यों मई सर्वमीदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवो, जैसे धागे का अंदर में मुक्ता का दाना या किसी बीच का दाना तुलसी का दाना कुछ भी सुतली धागे में धीरे धीरे लगाकर एक माला का प्रस्तुति होता है। ये जो जगत माला है अनंत ब्रह्मांड माला जो है इसका बारे में बताने गया भगवान, कह रहे हैं कि मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति, हमसे बढ़कर कुछ नहीं श्रेष्ठ कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मई मतलब हमें मुझमें मई सर्वमीदम प्रथम तमाम जगत मुझमें, ये भगवान का एक मजा है। ऐसे भगवान चतुर्श्लोक में बताया हम जगत का अंदर में है फिर भी जगत का अंदर में नहीं है। आमी तो जगत बसी जगत अमाते ना आमी जगत बसी ना जगत, ये बड़ा अनोखा चीज है आश्चर्य विषय है। सो मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजयो और मई सर्वमिदं प्रथम सूत्रे मणिगणाइवो, हे धनंजय हमसे बढ़कर कोई तत्व श्रेष्ठ नहीं है, सबसे उत्तम। और एक धागा में जैसे मणि मुक्ता मणि एकदम व्यवस्थित हो जाते, ये अनंत ब्रह्मांड यह है विष्णु रूपी, विष्णु रूपी मुझ में ओतप्रत हो, इनसेपरेबल पार्ट्स हो गया जैसे लगता है ओतप्रत हो। जैसे से कपड़ा जो है सुतली से कपड़ा बनता है, कपड़ा बनने का बाद एक एक सुतली तो कपड़ा का अंदर है, कपड़ा कपड़ा में सुतली छोड़कर कुछ है ही नहीं। ओतप्रत माने ओ टॉप टू बॉटम स्टार्टिंग टू एंड ऑल कपड़ा है, सुतली है ओचोर की कुछ नहीं। ऐसा ही है भगवान बताया कि ये मणि मुक्ता जैसे लगाया जाए एक धागे पे, ये अनंत ब्रह्मांड रूपी ब्रह्मांड जो है विष्णु रूपी मुझ में
उतप्रतो इनसेपरेबल पार्ट जैसा लगता है, कैसे लगा हुआ है। इसमें भगवान अपना जो तत्व का बारे में श्रेष्ठत्व ये सब बता दिया। किसी का अंदर में अगर ये फहमी आया कि भगवान बता रहे हैं कि हम श्रेष्ठ है, कैसा विचार है। बद्धजीव अगर कहता है कि इसमें अभिमान है, लेकिन भगवान अगर कहे तो इसमें दोष क्या है। कोई आदमी ऐसा भी दोष पकड़ता है, भगवान ऐसा कैसा बात बोल दिया, हम श्रेष्ठ है, मत जाजी मांग मस को हम हमको पूजा करो हमको। अरे बद्धजीव अपना मापिक सोचता है, भगवान को भी और सोचता भगवान ऐसा बताया, बड़ा अभिमानी है ऐसा सोचते रहता है। बद्धजीव का ऐसा विचार है। जब भगवान कह रहे हैं कि मत्वा परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कोई भी, क्योंकि भगवान का अंदर में तमाम पहले भी बहुत बार कह चुका और चर्चा किए, जो टू कंट्रेडिक्टरी पॉइंट्स, दो विरोधी पॉइंट जो है भगवान में एकदम बिल्कुल एडजस्टेड हो गया था। भगवान का अंदर में दो कंट्रेडिक्टरी पॉइंट जो है आसानी से बैलेंस हो जाता, लेकिन हमारे दुनिया में करने जाओ हम होगा नहीं। भगवान का अंदर में पूरा ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि भगवान ही हैं जो एक साथ एक ही साथ भगवान द एब्सोल्यूट एंजॉयर, एब्सोल्यूट भोग करता है, भोक्ता एकमात्र भगवान है, एब्सोल्यूट एंजॉयर भोक्ता। एट द सेम टाइम भगवान एब्सोल्यूट रूप से भगवान का अंदर में वैराग्य भी है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य विज्ञस्य यशस्य श्रेयो हैं, ये सब बताया ना। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र ऐश्वर्य जो है एब्सोल्यूट ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य हैं सारे भगवान का अंदर। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य विज्ञस्य यशस्य श्रेयो ज्ञान वैराग्य सभ्य सड़ इति भग इति इंगन। तमाम चीज जो है भगवान का अंदर में एब्सोल्यूट रूप से विराजमान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य हैं विज्ञस्य यशस्य श्रेयो ज्ञान वैराग्य सभ्य सड़ इति भग इंगन। मतलब जब भगवान एब्सोल्यूट एंजॉयर भी है, एट द सेम टाइम भगवान एब्सोल्यूट, भगवान में एब्सोल्यूट डिटैचमेंट भी है। ये कैसे हो सकता है? मानव बुद्धि अर्थात ह्यूमन ब्रेन कभी भी विचार नहीं कर सकता, कैसे संभव है, हैं? बियॉन्ड ह्यूमन कंप्रिहेंशन। ये विचार करके समझना बहुत, क्योंकि बुद्धि चलता नहीं है। जो जगत का बारे में विचार करने बैठे हैं वो जगत में हमारा जो विचार बुद्धि जो ताकत सब कुछ, इसको पहले पहले टट्टी पेशाब का मां भी फेंकना पड़े। को मानेगा ही नहीं कोई, हम जानता कोई मानेगा, कोई मानेगा, कोई नहीं मान सकता। लेकिन पहला इंस्ट्रक्शन ये है जो हमारा जितना सारे विवेक बुद्धि है, ताकत है, ब्रेन है, सब कुछ है, ये ताकत जो है हम पूरा तमाम बाजी लगा के भी करे तो अप्राकृत जगत का बारे में समझना मुश्किल है, असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, समझ में नहीं आएगा कैसे संभव है। ले इसका नाम ही है भगवत तत्व, इसका नाम ही है भगवत तत्व। ये इसमें इतना गंभीर विचार है, ये भगवान है एट द सेम टाइम द टॉप मोस्ट एंजॉयर भोक्ता, एट द सेम टाइम भगवान का अंदर में एब्सोल्यूट डिटैचमेंट भी बना हुआ है, कोई दोष नहीं है इसमें। भगवान का अंदर में एडजस्टमेंट होता है। बहुत सारे शास्त्र प्रमाण लेके पहले भी हमने चर्चा कर चुके हैं, इसका बारे में दोबारा चर्चा करे का कोई दरकार नहीं है। मत्तः परतरम न्यान्यत् किंचिदस्ति धनंजयो मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवो। भगवान धीरे धीरे अपना जो तत्व का रहस्य जो है अर्जुन को बता रहे हैं। पहले भी प्रतिज्ञा कर दिया कि हम तुमको ये जो ज्ञान का उपदेश करे
कुछ झोली में कुछ रख के नहीं देंगे, पूरा उजाड़ करके देंगे तुमको। जो ये तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे ये तुमको पूरा पूरा के पूरा देंगे। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम बक्षामि अशेषतः जज ज्ञात्रा नेहो भूयो अन्नो जो ज्ञानम अवशिष्वते। ये जानने का वजह से हम बता रहे हैं, इसका बाद दूसरा कोई ज्ञान लाभ करने का कोई दरकारी नहीं, कुछ शेष नहीं रह जाएगा। ऐसा करके आगे बढ़ रहा है चर्चा, काल बाकी चर्चा हो सकेगा। तो जवान हम यथाभाव यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञान वस्तुते मद अनुग्रहात् अहो मेवास मेवाग्रन्न सत्परम पश्चादहम जदेत सोस्मी अहम रीति अर्थम यद प्रतीयत न प्रतीयत चात्मा तद विद्वात्मान यथावासी यथातमा यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चावशिषुनु प्रविष्टान्न प्रविष्टानि नौतेषु नतेषु अहम वांछा कल्पतरो से कृपा सिंधु पतितानं पावन भविष्णभ्यो नमो नमः।